नमस्कार, आप देख रहे हैं लिखराज न्यूज। मैं हूं शर्मा गुरुजी, पल पल की खबरों के साथ। आइए बात करते हैं हमारे संवाददाता से, क्या है आज की खास खबर। जिला बुलंदशहर कस्बा पहासू में शिकारपुर क्षेत्रीय एसडीएम ने आगामी त्योहारों पर मद्देनजर रखते हुए बाजारों व गलियों में साफ सफाई पर नजर देते हुए इलाकों का लिया जायजा व 7 जुलाई से शुरू होने वाले मुहर्रम को ध्यान में रखते हुए इमामबाड़ा व मस्जिदों का किया निरीक्षण। वही इसी के साथ ही थाना अध्यक्ष के साथ और कस्बे के लोगों के साथ की खास बैठक और नगर पंचायत के लिए निर्देश दिए और बिजली विभाग के अधिकारियों को दिए निर्देश कि बिजली विभाग कहीं भी तार लटके हुए न हो और ट्रांसफार्मर पर भी थोड़ा ध्यान दे, उन्हें तुरंत सही करवाए। इसी के साथ शिकारपुर क्षेत्रीय एसडीएम ने नगर की गलियों में व इमामबाड़े का जायजा लेते हुए मुहर्रम में इमामबाड़ों तक जाने वाली हर रूट पर साफ सफाई के दिए निर्देश। पेश है उदितराज न्यूज से वरिष्ठ पत्रकार देवेंद्र शर्मा गुरुजी की खास रिपोर्ट। ये जो त्योहार आ रहे हैं, आगामी जो त्योहार आ गए हैं, तो उनके लिए क्या आपका क्या निर्देश है सर? आगे मुहर्रम का जो त्योहार आने वाला है, जो 7 तारीख से शुरू हो रहा है, उसके लिए मुहर्रम को सभी लोग जैसे पहले से मनाते हुए आए हैं समुदाय के लोग, उसी तरीके से मनाएं। रास्ते में जो ताजिया निकाले जाते हैं उनकी ऊंचाई इतनी होनी चाहिए कि किसी भी तरीके की किसी को कोई असुविधा ना हो। तार, बिजली के तारों की जो समस्या है वो तार ऊंचे हो जाएं, इन सब के लिए संबंधित विभागों के लिए बोला गया है। संबंधित विभाग ईओ से बोला गया है कि शहर की साफ सफाई और इमामबाड़ा करबला इनकी साफ सफाई पूरी तरीके से होनी चाहिए, इसी तरीके के निर्देश दिए गए हैं। सर, जो अब ये नया जो कानून लागू हुआ, इसके बारे में क्या कहना है सर आपको? नया कानून जो कल से 1 जुलाई से लागू हुए हैं, तो उसमें यही है कि सभी थानों पर लोगों को बुलाया गया है कि जो नए कानून हैं उनकी तरफ से जागरूक हो जाएं और जो आगे से जितने भी FIR दर्ज होंगी या जो भी तरीके से कार्रवाई होगी वो नए कानून के अंतर्गत ही होगी। और त्योहारों के लिए साहब, ये नगर पंचायत के लिए निर्देश और ये बिजली विभाग के लिए क्या निर्देश है सर? हाँ, बिजली विभाग के लिए निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी किसी भी तरीके का जो ट्रांसफार्मर वगैरह खुले में ना रहे, सबकी बैरिकेडिंग हो जानी चाहिए और जो तार हैं खुले हुए तार उनकी कवरिंग हो जानी चाहिए और जो नीचे तार लटक रहे हैं ढीले हैं उनको कस दिया जाए और ऊपर कर दिया जाए। सही है सर। ये थी हमारी आज की खास खबरें। फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। देखते रहिए उदितराज न्यूज। जय हिंद, जय भारत।